आईसीआईसीआई बैंक, और इसकी खास बात यह है कि पूरी बैंकिंग में चाहे वो एचडीएफसी हो चाहे कोटक बैंक हो, सब में करेक्शन देखने को मिली। आईसीआईसीआई बैंक ने करेक्शन नहीं दिखाई, अगर हिंदी में बोले तो जड़ में आईसीआईसीआई बैंक की जड़ में तेजी है, स्टॉक ने हाइस पे खड़ा हुआ है और ये स्टॉक एक बड़ा ब्लास्ट कर सकता है, बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म करने का पोटेंशियल रखता है, तो आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी की राय है। चार्ट्स देखना जानते हैं वो यहाँ पर एक पैटर्न देख पाएंगे, पैटर्न का नाम है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, जिसका बड़ा ब्रेकआउट आईसीआईसीआई बैंक के डेली और वीकली चार्ट्स पर होता हुआ दिख रहा है। लक्ष्य अगर आप निकालते हैं तो 800 रुपए का टारगेट बनता है, तो काफी बड़ा अग्रेसिव मूव आपको आईसीआईसीआई बैंक में आता हुआ दिखेगा। हमारी खरीदारी की राय है शॉर्ट टर्म के लिए 690 रुपए पर, 690 पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के बाय करने की हमारी राय है। पहला टारगेट 720 रुपए का, 720 का, दूसरा टारगेट 735 रुपए का, 735 का होगा। तो आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी करें इन स्तरों पर। और स्टॉक का नाम है जेएसडब्ल्यू स्टील, इसमें भी एक बेहतरीन वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, 754 रुपए का अभी भाव चल रहा है। मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 748 का, मेरा जो पहला लक्ष्य रहेगा वो रहेगा 766 का, दूसरा लक्ष्य रहेगा 770 का। इसमें एक बहुत ही बड़े ऑप्शन बैरियर का ब्रेकआउट दिया है, अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट हुआ है, इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए।